आज सिद्धार्थ कैंपेन सेंटर्स के द्वारा हम लोग गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं और डोर टू डोर भी जा रहे हैं और लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना कितना इम्पोर्टेंट है। गया जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन दर हुआ कम तो बोध गया की विदेशी संस्थाने की अनोखी पहल। गांव गांव में चौपाल लगाकर तथा गांव गांव में घर घर जाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। गया जिले के बोध गया के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यहां आज भी कोरोना से ज्यादा कोरोना के वैक्सीन से डरे हैं। लोगों में यह भ्रांतियां फैली है कि वैक्सीनेशन कराने पर मौत हो जाएगी, हमें कोरोना हुआ ही नहीं है तो वैक्सीन क्यों ले आदि कई भ्रांतियां फैली है। तो वहीं कुछ शिक्षित ग्रामीण वैक्सीनेशन करवा चुके, कुछ को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की समस्या है। इन सारी परेशानियों को देख बोध गया के सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में समझा रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराना कितना जरूरी और आवश्यक है। मुचारिम पंचायत में ग्राम छोटकी नहीं वैक्सीन नहीं दिया था, इसलिए कोई जानकारी नहीं था। यहाँ देहात है, बोध जाता है, भीड़ लगता है, इसलिए लॉकडाउन में कोई नहीं गया था। तो अभी सिद्धार्थ बोधिया के संस्था के द्वारा आया गया है, तो अभी तो जांच कर रहे हैं पूरे ग्राम में। अब गांव में जांच करके कहां तक के प्रोसेस में अभी लगा हुआ है। संस्था के लोग सर्वे कर रहे हैं, कौन लिए हैं इंजेक्शन, नहीं कौन लिए हैं उसको सर्वे करके समझा रहे हैं। कोई लेने के लिए इच्छुक हैं, कोई नहीं लेने के लिए इच्छुक हैं उसको समझा रहे हैं सिद्धार्थ कम्प्लेक्स वाले कि लेने से फ़ायदा है, नहीं लीजिएगा तो परेशानी पड़ेगा, यही वाला सिखला रहे हैं। इसलिए कि सुविधा नहीं था, यहाँ से दूरी कम 5 किलोमीटर बोध गया पड़ता है, जाने आने का कोई सुविधा नहीं था, लॉकडाउन सब बंद था और भीड़ के वजह से लोग नहीं जाता है। वहीं कई गांवों में संस्था के द्वारा जागरूकता को लेकर चौपाल भी लगाए जा रहे हैं। बोध गया के पाकरडील गांव में पेड़ के नीचे कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर चौपाल लगाकर ग्रामीणों को समझाया तथा कई लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। वहीं छोटकी बबनी गांव के ग्रामीणों में फैली अफवाह व भ्रांतियों को दूर करने को लेकर घर घर पहुंचकर समझाया, जिसके बाद ग्रामीण वैक्सीन लेने के लिए तैयार हुए और धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। इसी तरह कुल 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए कराया गया है। ज्ञात हो कि गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली है, जिसे दूर करने को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता के लिए कई कार्यों को किया जा रहा है। वहीं इस कार्य में बोध गया के संस्था भी आगे आकर लोगों को जागरूक करने में लगी है। देखिए, आज सिद्धार्थ कैंपेन सेंटर्स के द्वारा हम लोग गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं और डोर टू डोर भी जा रहे हैं और लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना कितना इम्पोर्टेंट है। साथ में हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करना नहीं जान रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो हमारे सारे लोग जितने भी वॉलेंटियर हैं सिद्धार्थ कैंपेन के, सब लोग सारे लोग को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि उन लोग को वैक्सीन आसानी से मिल सके। आज लगभग 50 लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ है और लोग को एक दो दिन में वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ये देखिए, अभी जिला प्रशासन के पहल से ये बताया गया है कि जहाँ पर लोग गांव-गांव जाकर लोगों को पहल कीजिए और जागरूक कीजिए, और हम स्वास्थ्य विभाग से भी बात कर चुके हैं कि जहाँ पर 50 लोगों का अगर वैक्सीन लेने के लिए तैयार है, वहाँ पर पूरा टीम यहाँ पर आकर वैक्सीन देंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही समझिए एक चैलेंज की तरह होता है कि अगर देखिए जिस तरह से गांव में अगर बचाया जा सकता है, अगर हम तीसरी लहर आने से पहले हम गांव को पूरे गांव में वैक्सीनेशन दे देते हैं, ये तीसरी लहर आने से हम लोग सभी लोग बच सकते हैं। और बहुत मुश्किल होता है लोगों को बचाने में, बताने में कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग तो लेना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरा फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे वैक्सीन लेने से। तो उनको बताना भी पड़ता है कि नहीं, वैक्सीन लेने से कुछ ऐसा नहीं होता है, हम लोग वैक्सीन लेने से कोरोना से बच सकते हैं। ग्रामीण में यही अफवाह कि बीमारी कि अगर वैक्सीन लेने से हो सकता है कि मुझे कुछ भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, खास करके गाँव में बहुत ज़रूरत है जागरूक करने के लिए। और हमारे पूरा टीम हर एक गाँव में, नामा हो, चाहे दानसीर हो, चाहे छोटकी बबनी हो, चाहे पाकाडी, हर जगह पर जाके हम अवेयरनेस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन लीजिए और गांव को बचाइए। देखिए, कुछ लोग तो इससे दूर भाग रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं कि नहीं, ये बता बहुत अच्छा बता रहे हैं, ताकि वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए गाँव के भी बहुत अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और इससे मेरा टीम भी बहुत अच्छा से काम भी कर रहे हैं, सबका लिस्ट बना रहे हैं, सबका समझिए अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूर ज़रूर होगा और हमें पूरा प्रयास है, चाहे वो बिहार सरकार हो, जिला प्रशासन हो और हमारे संस्था जो है सिद्धार्थ कंपेशन
पूरा प्रयास कर रही है कि गांव गांव जाकर इस चीज़ को सफल बनाने के लिए और सारे लोग को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए। ग्राम छोटकी नहीं लिए, हम लोग की जानकारी उतना नहीं था और अभी जानकारी हमको सिद्धार्था कंपेशन ट्रस्ट विवेक सर आए हैं, जानकारी दिए, हम लोग को जागरूक कर रहे हैं, हम लोग सब लेने के लिए तैयार हैं। कोई हम लोग को पहले से बताया नहीं, उधर जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है लोग को। पहले डर था, बहुत तरह के देहात में अफवाह था कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद ये हो जाएगा तो आदमी मर जाता है, तो ये होता है तो आदमी डर जाता है देहात के आदमी। आज हम लोग के जागरूक किए, हम लोग के समझाएं, देहात के आदमी समझ गए तो अब ले रहे हैं, लेंगे इनके थ्रू।